फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर जो स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर हम इन्वर्टर की वायरिंग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसको, अगर इलेक्ट्रिशियन ने इसके अंदर इन्वर्टर की वायरिंग नहीं कर रखी है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक की मतलब इन्वर्टर से कोई भी वायर नहीं आई हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक इन्वर्टर से लेके स्विच बोर्ड तक एक वायर लेके आनी पड़ेगी। जैसे कि हम एक येलो कलर की वायर इन्वर्टर से जोड़ के लेके आए हैं, फेज वायर है सिर्फ। न्यूट्रल के लिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो न्यूट्रल वायर होती है वो पूरे घर में कॉमन वायर होती है, ठीक है। न्यूट्रल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रल है वो ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, ये ब्लैक कलर आप देख सकते हैं, यही न्यूट्रल इन्वर्टर के पास भी है, इसलिए हमें सिर्फ इन्वर्टर के पास से एक फेज वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये फेज वायर कहाँ पे जोड़ेंगे जो कि हमारे पूरे सर्किट बोर्ड के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग हो जाए, जो कि पूरा जो स्विच बोर्ड है वो इन्वर्टर पे रन करने लग जाए, इन्वर्टर पे चले। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो मेन सप्लाई आई हुई है दोस्तों, जो ग्रिड से सप्लाई आई हुई है, उनको आप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मेन सप्लाई आई हुई है रेड कलर की, और यहाँ यहीं से एक लूप दूसरे स्विच बोर्ड के लिए गया हुआ है। तो हम इन दोनों को यहाँ से हटा के आपस में जोड़ के टेप मार के यहाँ पे छोड़ देंगे इनको, और यहाँ पे इनकी जगह पे हम इन्वर्टर की वायर है जो ये, इसको हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हटा लेते हैं यहाँ से, आपने ये अच्छे तरीके से इसको हटाना है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट करंट वगैरह ना लगे, हो सके तो चलती लाइन में इसको हटाना नहीं चाहिए। अभी आप देख सकते हैं हमने ये यहाँ से इसके कनेक्शन को हटा लिया, और इसके यहाँ पे टेप मार देंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमने जो वायर ओपन की थी, जो खोली थी, हमने उन दोनों पे टेप कर ली है ताकि यहाँ से जो मेन इनपुट आई है वो दूसरे बोर्ड में भी यहाँ से पावर सप्लाई जा सके। और अभी इस बोर्ड के अंदर कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ पे हम इन्वर्टर की वायर कनेक्शन करने वाले हैं। तो हमने यहाँ से एक वायर खोली थी और एक यहाँ से खोली थी, तो जो यहाँ से वायर खोली थी फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने एक इन्वर्टर की वायर कनेक्ट कर देंगे, जो यहाँ आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर की वायर हमने छील ली है। छीलने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन को यहाँ से ले लेंगे और पूरे के अंदर इस तरह से लूप कर देंगे जो कि यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। और इसको आगे थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे इस तरह से। तो दोस्तों, ये इस स्विच में और इस स्विच में तो हो गया है, अभी ऊपर को पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये लूप है, इस लूप में, इस लूप को इसके साथ ही कनेक्ट कर देंगे हम ऐसे। अभी यहाँ पे भी वायर कनेक्ट हो गई है, यहाँ पे भी इन्वर्टर की वायर हो गई है, और इस वायर के थ्रू ऊपर भी चली गई, यहाँ पे भी आ गई है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आ गई है, और नीचे एक कॉपर की वायर लिंक है वो यहाँ पे भी आ गई है, कहने मतलब एक सॉकेट के अंदर भी हो गई है, और फैन रेगुलेटर में भी आ गई है, और एक लाइट में भी आ गई है, और एक अदर लाइट है जो दूसरी लाइट है उसके लिए भी आ गई है। और उसके बाद इसको यहाँ पे इसको हम टाइट कर देंगे यहां से, इस तरह से। ठीक है, इन्वर्टर के कनेक्शन अभी हो गए हैं हमारे, इसको क्या करेंगे, अब स्विच बोर्ड को अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। और जो ये इन्वर्टर की वायर है, ये कंड्यूट के अंदर से तो डाली नहीं थी, अगर आपको ये कंड्यूट के अंदर से डालने वाली वीडियो सीखनी है तो वो वीडियो आपको नीचे कमेंट करके हमें बताना कि सीखना है, तो हम वो वीडियो भी बना देंगे, कैसे हम वायर डली हुई है उसके अंदर कैसे एक अलग वायर डालें, तो वीडियो बना देंगे। आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, यहाँ पर क्लिप वगैरह मार के यहाँ से इसको लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पेज से यहाँ पर टाइट कर देंगे, स्क्रू लगा के जैसे पहले लगा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं इन्वर्टर की सप्लाई से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।